Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Well, I'm Ishika Malik, a first professional year MBBS student, currently pursuing my first year from BPS Government Medical College, Kanpur. So, NEET 2022 ka result aa chuka hai. And congratulations to you all, because I know ki aap sab ne apna 100% diya hoga, aur 100% ka result 101% aata hai. Well, रिज़ल्ट आते ही सबको टेंशन हो जाती है कि अब काउंसलिंग अच्छे से करनी है, मुझे अच्छे से अच्छी चॉइसेस फिल करनी है, बेस्ट से बेस्ट जितना पॉसिबल हो सकता है वो कॉलेज लेना है. सो आज की वीडियो इसी के रिगार्डिंग होगी. आज की वीडियो में मैं हरियाणा के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब की कट ऑफ आपको बताऊँगी जो 2021 में गई थी. अब पिछली जो कट ऑफ गई थी उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया है, जो रिज़ल्ट आया था राउंड वन की काउंसलिंग का, राउंड टू की काउंसलिंग का, हरियाणा की क्या कट ऑफ थी हर एक कॉलेज की वो मैं आपको बताऊंगी, क्या रैंक थी वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इस साल उस कॉलेज की क्या कट ऑफ जा सकती है वो भी इस वीडियो में प्रेडिक्ट करेंगे. सो लेट्स गो. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कॉलेज PGIMS रोहतक. तो 2021 में राउंड वन की है ये. जनरल कैटेगरी में 639 मार्क्स की कट ऑफ गई थी. EWS की 629 थी, BCB की 622, BCA कैटेगरी 601 और SC कैटेगरी 556. और जो रैंक थी वो इनके करस्पॉन्डिंग ये रैंक्स थी उस टाइम पे. अब राउंड टू की बात करें तो ये 639 से 624 चली गई थी, 629 से 615 चली गई थी, ये 622 से 617, 601 से 595 और ये 530. तो ये अगर हम इसमें देख के चलें तो कुछ 20-25 नंबरों का फ़र्क आ गया था. हालांकि जनरल कैटेगरी में सिर्फ 15 नंबर का फ़र्क है, लेकिन SC कैटेगरी में 20-25 नंबर का आराम से फ़र्क आ जाता है. अब अगर अगला कॉलेज देखें, ASIC फरीदाबाद. ASIC फरीदाबाद की कट ऑफ हमारी PGI से भी ज़्यादा जाती है अब, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड नहीं था. तो राउंड वन में जनरल की गई थी 645, जबकि PGI की 639 मार्क्स थी. उसके बाद EWS 636, BCB 628, BCA 621, SC कैटेगरी 558. और उसी कॉलेज की राउंड टू में कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी के लिए 633 मार्क्स, EWS के लिए 630 मार्क्स, BCB कैटेगरी के लिए 621, BCA कैटेगरी के लिए 616 और SC कैटेगरी के लिए 533. और ये आप रैंक भी देख सकते हैं, क्योंकि हर साल मार्क्स के हिसाब से रैंक बदलती है, तो उस हिसाब से भी हमें सोचना पड़ता है. अब नेक्स्ट कॉलेज, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल. अगर हम इसकी देखें तो जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 628 मार्क्स गई थी इसकी कट ऑफ. उसके बाद EWS 624, BCB 617, BCA 590 और SC कैटेगरी 538. और वही राउंड टू में 628 से घट के 616 चली गई थी, और ये 624 से 612. EWS में और जनरल में सिर्फ 2-4 नंबर का फ़र्क होता है, और वो भी कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है. किसी में थोड़ा सा फ़र्क ज़्यादा हो सकता है और किसी में थोड़ा सा कम. अब BCB कैटेगरी 617 से 602 चली गई थी, BCA 590 टू 578 और SC कैटेगरी 520 मार्क्स पे इसको लास्ट सीट मिली थी. नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट कॉलेज, दैट इज़ BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, खानपुर. अब राउंड वन में जनरल कैटेगरी में इसकी रैंक थी 619, जो राउंड टू में 607 चली गई थी. और अगर हम 2020 ईयर की बात करें तो इसकी राउंड टू में कट ऑफ 602 थी, और 2021 में 607 हो गई. तो हर साल कट ऑफ बढ़ती है और हर साल कंपटीशन और बढ़ जाता है. नाउ आवर नेक्स्ट कॉलेज, दैट इज़ MAMC नॉर्थ दिल्ली अग्रोहा. और अगर हम इसकी कट ऑफ देखें तो राउंड वन में MAMC की कट ऑफ 625 थी, जो कि हमारे बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी ज़्यादा है, जबकि MAMC
खुद एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन फिर भी इसकी कट ऑफ इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि सबको पता है कि अब हरियाणा में कितना 40 लाख का बॉन्ड और 7 साल की सर्विस लगा दी है, लेकिन इसमें कॉलेज में नहीं था बॉन्ड। लेकिन इस साल कह रहे हैं कि इस कॉलेज में भी बॉन्ड आ जाएगा, तो पिछली बार इसकी बॉन्ड ना होने की वजह से 625 कट ऑफ चली गई थी, और अगर इस बार बॉन्ड हटता है तो इसकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। अब ये जो मैंने ब्लैंक छोड़ रखे हैं, ये EWS के 617 ही राउंड वन में कट ऑफ थी और 617 ही राउंड टू में चली गई थी कट ऑफ। तो जो कट ऑफ गिरी थी वो जनरल कैटेगरी और BCA कैटेगरी के लिए, इसके लिए हमारे 8 नंबर गिर गई थी और यहाँ पे 5 नंबर। तो इस तरह से था MAMC अग्रोहा की कट ऑफ 2021 में। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज मेवात, अब इस कॉलेज की कट ऑफ हरियाणा में सबसे लास्ट रहती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सबसे लास्ट रहती है। इसमें राउंड वन में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 617 एंड EWS की 612, BCB कैटेगरी की 604, BCA कैटेगरी 578 एंड SC कैटेगरी 522। अब राउंड टू की बात करें तो 617 से 609 चली गई थी, 605, 600, 574 एंड 504। अब यहाँ पे 609 गई थी मेवात की, लेकिन जो BPS की कट ऑफ है वो 607 थी। जस्ट बिकॉज BPS ऑल गर्ल्स कॉलेज है और ये कोएड कॉलेज है, तो उसी वजह से फर्क आ गया इसमें, क्योंकि वहां पे लड़के तो एडमिशन ले ही नहीं सकते हैं, तो इस वजह से 2 नंबर की कट ऑफ ज्यादा थी। तो ये थी हमारी 2021 की कट ऑफ्स। सो राउंड वन की अगर मैं पूरा कंक्लूड करके आपको टेबल दिखाऊं तो ये पूरी टेबल है हर कॉलेज की और हर कैटेगरी की। और अगर हम इस बार की बात करें तो पिछली बार, अगर मैं 610 नंबर लेके चलती हूँ, अगर आपके 610 नंबर पिछली बार थे तो आपकी रैंक कुछ 14 से 15 हज़ार के बीच में थी, 14 हज़ार भी थी कुछ, 15 हज़ार भी थी, इस टाइप से थी। लेकिन इस बार वो 16 से 17 हज़ार के बीच में हो गई है, तो इस बार भी रैंक बढ़ी है। लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो टॉपर्स हैं, जिनके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, 690 एंड अबव, 680 एंड अबव, वो थोड़े से कम हैं। लेकिन जो नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं, 630, 620 से नीचे वाले, वो स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। तो उसका देखते हैं कि किस की सीट्स पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, पर मेरे ख्याल से इस बार भी रैंक बढ़ी ही है। तो अगर ये रैंक्स आप पिछले साल की देख रहे हो तो इसमें 1 या 1.5 हज़ार ऐड करके ही अनुमान लगाइएगा कि आपका इस कॉलेज में एडमिशन होगा। मतलब होगा या ना होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन एक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, या फिर आपको कौन सा कॉलेज किस तरह से प्रायोरिटी में भरना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, दिस इज टेबल फॉर राउंड टू। और ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, ये प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, एक एक PDF को एक्सेल में कन्वर्ट करके और वहाँ से एक एक कट ऑफ निकाली है मैंने। एंड ऑल आई वॉन्ट इज जस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या आपको थोड़ा सा भी इससे हेल्प हुआ, सो प्लीज़ शेयर द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।